जो तीसरे पातशाह महाराज इत गुरता गद्दी ते बराजमान होके आए हैं, दूसरे गुरु तो ज्योति जो समा गए उदों की घटना है। गृहस्थ विच रह के गृहस्थ किन्ना जरूरी है, ओदे विच रह के असी परमेश्वर की प्राप्ति कितना करनी। महाराज जी ने माझे ते दुआबे दे पिंडां विच धर्म प्रचार का प्रोग्राम अलीकिया, और जेड़े भी पिंड विच गुरु अमरदास जाण संगतां नूं इह हुक्म करन भी इह जिहड़ा गोइंदवाल नगर हन इह बड़ा टिकाणे दा नगर है। दिल्ली तो लाहौर ते लाहौर तो दिल्ली इस जरनेली सड़क सी, इस पत्तन नूं लोक पार करदे सी ते कई वरा इत्थे रात भी कट जांदे सी। मां ने सोचा भी इत्थे दुकानदारी बड़ी वधिया चल सकदी आ, जमीन बड़ी उपजाऊ है, बड़ी परवरक भरपूर है, खनज भरपूर है, इत्थे कोई वाही करे उन्हूं लाभ मिलेगा। मां ने संगतां नूं प्रेरणा की भी जे दिने जदों जिहड़ी वाही करो जिहड़ा तुहानूं उहदे विचों फसल तुसीं वट के लियाओ उहना तुहाडा लोक सुखी, ते जिहड़ा सवेरे शामी संगत च बह के कथा कीर्तन सुनो उहना तुहाडा परलोक सेला। वाह वाह। इस करके परिवारां समेत सारे श्री गोइंदवाल साहब सेवा करो, क्योंकि नगर जिहड़ा गोंदे की धरती सी ते बड़ी इत्थे उहदी जमीन सी, जदों उह नगर वसाउणा चाहुंदा सी उहनूं नजूमियां ने आता भी इत्थे भूतां दा डेरा, इत्थे तेरा नगर नहीं उहनां वसण देणा, तां गुरु अमरदास जी नूं गुरु अंगद साहब ने इत्थे भेजिया सी। वाह वाह। तो महाराज सच्चे पातशाह ने जदों इह वचन कीते ते इक जथा कोई दिनों बाद सचमुच ही इत्थे सेवा करन आ गया, उदों बौली साहब की सेवा लगी सी, सेवा च आके जुट गए। गुरु अमरदास महाराज अपने निजी सेवादार भाई बल्लू नूं कहण लगे, भाई बल्लू और नवे जथे नूं साडे कोल बुला के लियाओ। जथा आ गया, महाराज कहण लगे सजो, सज गए। महाराज कहण लगे भी दसो जदों तुसीं तुहाडे नगरां च गए तुहानूं प्रेरणा की भी तुसीं परिवारां समेत आओ, ते तुसीं आप आ गए जिहदे परिवार क्यों नहीं लियाई। मुखी सज्जन ने हथ खड़ा किया, महाराज जी तुहाडा हुक्म होए ते जवाब मैं दिया। महाराज कहण लगे दिओ, हथ जोड़ के खलो गया। आंदा महाराज असीं परिवार नहीं लियाए ते ना ही साडा लियाउण दा कोई इरादा, क्यों? महाराज परिवार ते खलजगन हुंदे आ, परिवार ते जंजाल हुंदे आ, ना परिवार च रह के सेवा हो सकती, ना सिमरन हो सकता, ना कोई नेकी कीती जा सकती है। महाराज असीं परिवार नहीं लियाए। महाराज कहण लगे वे देखो मेरा परिवार है, दो मेरियां बेटियां, दो मेरे बेटे है, मेरा भाणजा, मैं गुरु अंगद साहब महाराज की दित्ती हुई जिम्मेदारी सारी परिवार समेत संभाल रहा, क्यों नहीं हो सकता? बजेद हो गया तो महाराज नहीं हो सकता, जो एक धिर बजेद हो जाए ना दूजो फिर जी फिर उदो ज्यादा हो जाती है, इतों ही साडा फिर वाद वाद शुरू हो जाता। जेडे महापुरश होंगे ना उन्हों का तरीका बड़ा ढंग बड़ा निवेकला होंदा गल करन दा। तुसीं वेख्या गतका खेडन वाले जदों गतका खेडदे हन अगले नूं पता ही लगदा भी इहने वार किथे कर जाणा। गुरु अमरदास महाराज कहण लगे भी चलो इस टॉपिक ते फिर गल करांगे, मैनूं दसो भी जदों मेरे तक तुसीं इत्थे गोइंदवाल साहिब पहुंचे इस पत्तन नूं तुसीं कितना पार कीता। हां राज महाराज बिलकुल सौखा, असीं पत्तन ते आ के खलो गए, कोई समा उड़ीक कीती मलाह बेड़ा लैके आ गया, असीं एक एक दो दो करके वेचण गए, उन्हें चप्पू मार के बेड़ा किनारे लाता, असीं भाड़ा दे के तुहाडे डेरे ते आ गए, मर के बिलकुल सौखे आ गए। महाराज कहण लगे भी दसो इन्ने समय च उत्थे कोई इहो जिहा घटना क्रम वरत्या जिहड़ा हुण तक तुहाडे चेते की चंगेर विच होए। हां महाराज एक बड़ी अजीब घटना वात पई, असीं सारे बेड़े चढ़ गए, अपनियां पंडा गंढा बुचकियां जो समान सी सारा लद लिया, सारे ही चढ़ गए। दो बंदे बाहर खलोते रह गए, वह भी लागे खलोते सी, उन्हें आखिया महाराज ने सब तो पहलो आ गए। महाराज असीं मलाह नूं आखिया भी यह दो रह गए ना दो नूं भी विच बिठा लो, उन्हें आखिया ना भी जे दो बह गए ना तो पूर सारा डुब जाना जी। महाराज कहण लगे कोई गल समझ आई? आंदे नहीं।
महाराज कहन लगे कन मन मेरे लिए करो, मैं तुहानू समझाउणा। किसे भी मलाह ने पत्तण उत्ते तराजू नहीं लाया, उहने रंग नाल बेड़ी नूं एक लीक फेरी हुंदी आ, लोक चढ़दे जांदे आ बेड़ी पानी च उतरदी जांदी आ, लोक चढ़दे जांदे आ बेड़ी उतरदी जांदी आ। जदों तुसीं सारे बह गए सी उदों बेड़ी पानी चो किन्नी क बार सी, महाराज एवें चप्पे दो चप्पे बार सी। महाराज कहन लगे जे ओह वी दो बह जांदे ना ते ओह चप्पा वी थल्ली उतर जाणी सी, लोक आखणा सी पूर डुब गया। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज हुण साडे गल समझ आ गई। महाराज कहन लगे नहीं तुहाडे अजे वी समझ नहीं आई, तुसीं आंदे जे परिवार खजगन आ, परिवार जंजाल आ, मैं ना सारी दिहाड़ी परिवार च डुबे रहो, सारी दिहाड़ी ग्रिस डुबे रहो, सारी दिहाड़ी कम च रुझे रहो, दो घड़ियां सवेरे ते दो घड़ियां शामी ग्रिस्त विचों उडारी मार के संगत रूपी किश्ती विच बह जाओ, एक हाथ च सेवा दा चप्पू ते दूजे च सिमरन दा। मैं जमान दिना भी तुहाडी बेड़ी जिहड़ी ओह किनारे नूं चुम लेगी। सच है भाई गुरदास जी कहिंदे जैसे बोझ भरी नाग नाव आगरी तो बार होए, पार परे पूर सबे कुशल बिहात है, जैसे एका हारी एक हरी बैठ, जैसे एका हारी एक पाकशाला बैठ, लिखिया भोजन के बिंजन स्वाद के अगात है, जैसे राज द्वार जाए करत जोहार जन, एक घड़ी पाछे देश भोगता होए खात है, आठ ही पहर साठ घड़ी में जो एक घड़ी साथ समागम करे, निज कर जात है। थोड़ा जा खोल दिया, सारी बेड़ी ते भार नाल भरी होई, मला आखे भी 50 बंदे ते लद ले ते 10-10 एक जने को लेने तो 500 ते बन गया, ते 5 होर लद ला 50 होर बन जण गए, जांदा सब्जी ले जूंगा 500 जमा करा दूंगा। लालच कर ते नतीजा की निकलेगा, ओ 500 भी गया, किश्ती भी गई ते जान भी गई। ये मलाह की गल नहीं है, ये साडी गल है, तुहाडी गल है। सारी दिहाड़ी काम किया, शामा पै गईयां, रह रासना जिन्ना ते समा कढ लैण, तेरी बेड़ी तरदी रवे, सारी रात सौ के गुजारी आ, ओए अमृत वेला हो गया, हुण दो घड़ियां नितनेम ते लगणियां, इन्हां ते समा कढ ला, तेरी किते बेड़ी डोबी ना जावे।